सूर्य को कुछ लोग एक ग्रह के तौर पर जानते हैं तो कुछ देवता के रूप में मानते हैं। सूर्य देव की अलग अलग वेदों में बहुत ही दिलचस्प महिमा की गई है और उन्हें मानव के कर्मों का साक्षी बताया गया है। सूर्य देव को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है और ऋग वेद में देवताओं में सूर्य देव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य को भगवान का नेत्र मानता है ऋग्वेद। ब्रह्म पुराण के अनुसार सूर्य देव सर्वश्रेष्ठ देवता है। सूर्योपनिषद में कहा गया है कि सभी देवता, गंधर्व और ऋषि सूर्य की किरणों में वास करते हैं और उनकी उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना पाप समान माना गया है। ये तो हुई सूर्य देव की पुराणों में महिमा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब रुष्ट हो जाते हैं सूर्य देव? किस पाप के कारण बढ़ती है सूर्य देव में ज्वाला? आइए आपको ये बताते हैं। सूर्य का संबंध आत्मा से होता है। यदि आपकी आत्मा, आपका मन पवित्र है और आप किसी का दिल दुखाने वाला कार्य नहीं करते तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन किसी को ठेस पहुंचाने पर सूर्य अशुभ फल देते हैं। सूर्य अगर नाराज हो जाए तो मान सम्मान तो घटता ही है, साथ ही साथ अपनी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ता है। अगर मनुष्य अपने पिता की इज्जत ना करे तब भी सूर्य देव उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं। कलयुग इस दौर में तो ना ही किसी के साफ मन बचे हैं, ना ही माता पिता का सम्मान। यही वजह है कि सूर्य देव का क्रोध अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि कलयुग में सूर्य की बर्दाश्त ना हो पाने वाली तपन मनुष्य को झेलनी पड़ रही है। सूर्य पुराण के अनुसार सूर्य देव कलयुग के पापों को मिटाने के उद्देश्य से कलयुग के अंत में अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे और तब पापी मनुष्यों को सूर्य के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे में आप भी मन साफ रखें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, अपने पिता का आदर करें, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। सूर्य देव से जुड़ी चीजें जैसे तांबे के बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ दान करें। इससे आपके जीवन में वैभव और दौलत तो आएगी ही, साथ ही साथ सूर्य देव की तपन भी कम होगी, उनका क्रोध भी घटेगा। यश प्राप्ति का सीधा सीधा मार्ग है सूर्य को प्रसन्न करना। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य दिलचस्प कथा या रोचक तथ्यों के साथ। जाते जाते हर बार की तरह कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।